हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मंथरा की कुटिल शिक्षा से कई कई की बुद्धि हर जाती। प्रिया चरित्र कर षड्यंत्र रचती, दशरथ से भूले हुए दो वर मांगती। भरत हो राजा अयोध्या का, हो राम को 14 वर्ष वनवास, हो राम को 14 वर्ष वनवास। रानी कई कई की बातें सुनकर उड़ जाते दशरथ के होश हवास। क्या करे क्या ना करे राजन, धर्म संकट जाते हैं। राम जी पिता की देख दशा, वन जाने की आज्ञा मांगते हैं, वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। सीता कहे मैं अर्धांगिनी हूँ, पति चरणों में मेरा स्थान। लक्ष्मण कहे जहाँ राम भैया है वही हमारा चारों धाम। ऐसा कह कर राम सिया लक्ष्मण करते हैं वन प्रस्थान। राजा दशरथ राम के दुख में, राजा दशरथ राम के दुख में दे देते हैं अपना प्राण, दे देते हैं अपना प्राण, अपना प्राण, अपना प्राण। आए भरत शत्रुघ्न दोनों लौट के जब ननिहाल से, सुना सुना देख अवध को दोनों होते बेहाल से। भरत को कई कई के मुख से जब सारी कथा सुनाई पड़ी, जब सारी कथा सुनाई पड़ी, चरित कलंकित हो गया मानो भरत के हृदय पे बिजली गिरी। अरे पापनी कुलनाशिनी, तू नारी नहीं है राक्षसी, राक्षसी।
तेरी ममता कहाँ पे सूख गई थी, तू भैया राम की है अपराधी अपराधी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से है निभाते भरत जी शिष्टाचार, पिता की चिता को अग्नि देकर करते उनका अंतिम संस्कार। अवध के राजा राम होंगे जिन्हें चुना था पिता और जनता ने, जिन्हें चुना था पिता और जनता ने। चलेंगे हम चित्रकूट सभी अपने राजा को मनाएंगे, अपने राजा को मनाएंगे। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु आज ही पिताजी का एक और संदेश आया है और उन्होंने मुझे शीघ्र ही वापस आने के लिए लिखा है। कुमार युधाजित, बड़े महाराज की ऐसी आज्ञा है तो हम भी तुम्हें अधिक नहीं रोक सकते, अन्यथा हमारी इच्छा अभी तुम्हें भेजने की नहीं थी। देवी कैकेयी की भी यही इच्छा थी कि तुम कुछ दिन और अयोध्या में रहते। मैंने तो भैया से बहुत आग्रह किया था, किंतु आज पिताजी के पुनः आदेश आने पर मैं चुप रहने के लिए विवश हो गई। आपने हमें याद किया पिताजी। हाँ भरत, तुम्हारे मामा आर्य युधाजित चाहते हैं कि आज ही कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया जाए। आज ही? क्यों मामा जी, आपको हमारी अयोध्या अच्छी नहीं लगी? ये बात नहीं कुमार भरत, तुम्हारे नाना जी ने मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लौट आने का आदेश भेजा है। भरत, तुम्हारे नाना जी का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता, वो तुम लोगों को देखने के लिए बड़े इच्छुक है। भैया का आज ही प्रस्थान करना अति आवश्यक है। तुम दोनों जाकर माता कौशल्या और सुमित्रा से जाने की आज्ञा ले लो। सबसे पहले राम भैया और भाभी से विदा मांगता हूँ। अच्छा, आपसे विदा लेने आया हूँ भैया। मैं और शत्रुघ्न आज मामा जी के साथ जा रहे हैं। तो आखिर मामा जी नहीं माने, हमसे छीन कर ले जा रहे हैं तुम्हें। अच्छा जाओ, कुछ दिन ननिहाल में आनंद से विदा करा। वहां के आनंद में भी आपकी याद तो क्षण भर के लिए भी नहीं जाएगी भैया। जी चाहता है मेरे दो हिस्से हो जाए, एक हिस्सा यहीं आपके चरणों में पड़ा रहे और दूसरा नाना जी की आज्ञा का पालन करने ननिहाल चला जाए। भैया, इन चरणों को छोड़कर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना हमें ही कहां अच्छा लगेगा, परंतु नाना जी का मन भी रखना आवश्यक है ना। जानते हो भरत, मेरा भी बहुत मन करता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। तो फिर चलो ना भैया, कितना अच्छा होगा। परंतु पिताश्री के पास भी तो किसी को रहना चाहिए। जब मैं और लक्ष्मण गए थे तब तुम और शत्रुघ्न यहां थे, अब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं और लक्ष्मण माता पिता की सेवा करेंगे। परंतु एक बात याद रखना भरत, यदि मेरा मन नहीं लगा तो मैं तुम्हें जल्दी बुलवा लूंगा। ऐसा ही करना भैया, किसी बहाने जल्दी ही बुला लेना। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र
पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। केस पके तन प्राण थके, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महा मद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। राम को सौंप के राजन पाठ करो, तप अपनो जन्म सुधारो। राम को सौंप के राजन पाठ करो, तप अपनो जन्म सुधारो, करो तप अपनो जन्म सुधारो। परम पूज्य गुरुजन एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वजों की भांति मैंने भी आज तक प्रजा को अपनी संतान मानकर सदा जन कल्याण के विचार से ही सारे कार्य किए हैं। परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं, उसी प्रकार जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूं। इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप सबको अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब मेरे इस विचार से सहमत हों, तो उसके लिए सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें। आपके इस प्रस्ताव का हम सबकी ओर से पूर्ण रूप से अनुमोदन है महाराज। हम सब एक मत से आपका समर्थन करते हैं। आर्य सुमंत्र जी महाराज, राम को राज्यसभा में आने के लिए संदेश भेजा जाए। राज्यसभा में हमें बुलाया है, किस कारण? कारण राज्यसभा में पहुंचने पर ही विदित होगा आर्य कुमार। मैं आपका पुत्र राम श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपके आदेश पर आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। राम, सभा में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनोगे। तुम्हारी लोकप्रियता के कारण राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग की कोई आशंका नहीं, और तुम्हारी वीरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं। इसीलिए तुम यो राजपद स्वीकार कर राज्यभार को संभालो। पूज्यवर, मेरी दृष्टता को क्षमा करें, मेरे मत से यह निश्चय अनुचित है। जबकि पिताश्री
अपने कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोकों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं, तब ऐसे परम प्रतापी और कीर्तिमान पिता के होते हुए राज्यपद ग्रहण करने का प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूंगा। आप सबने ऐसा सोच कैसे लिया? राम, इस समय पुत्र के नाते तुम्हारी भावना बलवान है, परंतु याद रखो, कर्तव्य भावना से महान होता है। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है, भावना और मोह को छोड़ दो। राम, गुरु जो कह रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। गुरु आज्ञा को स्वीकार करो और अनंत के साथ नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। राम, यह हमारी आज्ञा भी है और हमारी विनती भी। नहीं नहीं महाराज, नहीं, नहीं। मैं तो आपका पुत्र और आपकी प्रजा दोनों ही प्रकार से आपका आज्ञाकारी हूं। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अपना धर्म मानकर अंगीकार करूंगा। राजा रामचंद्र की जय! 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 क्या क्या कह रहे हो सुमित्रा पे? राजा अभिषेक होगा? हाँ दीदी, लक्ष्मण ही तो समाचार लेकर आया है। हाँ बड़ी माँ, कि कल राम भैया का राज अभिषेक होगा। सच? माता, पिताश्री ने कहा है कल मेरा अभिषेक होगा। मैं आपके श्री चरणों में आशीर्वाद मांगने आया हूँ। चिरंजीव हो मेरे लाल। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने का निमंत्रण है। राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की जय! घर बजत बधैया अवध में, घर घर बजत बधैया अवध में, चौदिसी आनंद छायो रि सजनी। आयो शुभ दिन आयो रि सजनी, आयो शुभ दिन आयो रि सजनी। अरे कुबड़ी, दिखता नहीं है क्या? आंखें भी फूट गई है, अमंगल करने सामने आ गई। ज्यादा बोलोगी तो फूल हो जाऊंगी। अरे कुबड़ी, क्यों भबक रही है? आज तो हंसी और खुशी का दिन है। काहे की खुशी, काहे की खुशी? अरे बुढ़िया, आज हमारे राम राजा बनेंगे, राजा। अरे चल, ये तो रोती ही रहेगी। राम राजा बनेगा? अरे यही तो दुखड़ा है, सांप लौट रहा है छाती पर सांप। राम, कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, परंतु ये याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर
फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी? कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी? मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो वो भी जहरीली नगन होती है। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा, तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं। इस समय तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी वही बताऊ और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास दो वर बाकी है। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी, देवता और असुरा में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे, तुम भी साथ थी। हाँ हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी मैं तुम्हें दो वरदान देता हूँ, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो दो वरदान मांगने का समय आ गया है जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में? दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री पुत्र मित्र यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं। इस समय तो सारी अयोध्या में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। तो जिस रास्ते पर मुझे चलाएगी मंथरा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। रास्ता तो एक ही है, त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र दिखाना है तो पूरी तरह दिखाना। ये क्या वेश बना रखा है बताओ, कुछ बोलो भी। देवी मांगो क्या चाहिए, हम तुम्हें वचन देते हैं जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था
उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है? याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो, हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो। मेरे वो दो वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्योछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे दो वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी, जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। सन्निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों जुग गया महाराज? मेरे दो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोल कर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी। भगवान, तूने मुझे कहां कुठोर लाकर मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से कहूंगा कि राम तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। हे राम, Thank you.
जीते रहो। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है मां? पिता के भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे दो वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा? दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी बन जाना होगा। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ। माता, धीरज रखो माता। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। माँ, माँ, सीता, सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। क्यों भैया, क्या ये सच है कि राम का राजतिलक नहीं होगा? नहीं होगा। हाय हाय, ये कैसा अनर्थ हो गया? भैया, जो मैं ये सुन रहा हूँ क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए,
अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने मत करो लक्ष्मण। बस यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो, और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करे भैया। इतना क्रूर धन मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने सब पता कर लिया है, राम वनवास जाने को बिल्कुल तैयार है, साथ में सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। सच? राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, शमशान हो जाएगी, फिर उजली हुई अयोध्या का राज देना अपने भारत को। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। आओ चले। तुम ही उन्हें रोको। महाराज यदि ऐसा संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं। सुमंत्री तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो, तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ, थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु आखिर आप आ ही गए ना हमारे गांव में, हमारे गांव वासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप बिराजी पधारिए प्रभु, बिराजी बिराजी। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। अभी तलक ई नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बाना धारण कई किया जो उद्देश्य आए हो। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कई गई की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। अरे सुमंत, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया। हाँ मऊ, बहुत दुनिया देखे हैं सरकार, आपन बिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले को बनवास दे दिया, यह है बात है ना सरकार। निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल कहाँ, बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर लें, यह मैं हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिये लक्ष्मण भैया और सीता मैया के संग श्रृंगेरपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण जाओ, भैया तुम भी विश्राम करो।
आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो गवा है, आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया आओ। सीते तुम भी सो जाओ, वन में तो ऐसे ही बिछाने मिलेंगे। सरकार सरकार, गंगा पार करे की खातिर नौका का प्रबंध हो गवा है, चलिए आइए सरकार। ठीक है, कर्म की गति बड़ी न्यारी है, स्वयं भगवान भी उसमें बंधे हैं। आओ चलिए। प्रणाम आर्य, जो प्रभु की इच्छा होनहार बलवान है। विदा रघुराई, वन के कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाए, तुम्हारे कीर्ति का सूर्य कभी अस्त न हो। चलो मित्र। पग धोए सुन दाता नहीं, गंगा पार कर रही हूँ। पग धोकर नाव चढ़ी हूँ, पग धोकर नाव चढ़ी हूँ। वैसे तो भैया राम ने कहा था जल्दी संदेशा भेजकर बुलवा लेंगे, न जाने क्यों आजकल उनकी छवि मन से हटती नहीं। रात को विचित्र विचित्र अपशकुन होते हैं, भयानक सपने आते हैं। कभी देखता हूं एक कुरूपा सी स्त्री उनके राजसी वस्त्र खींच खींच कर उतार रही है, तो कभी देखता हूं वो दीन अवस्था में खड़े मुझे पुकार रहे हैं। पूरा महल खंडर नजर आता है, सारा नगर उजाड़ दिखाई देता है, चारों ओर एक भीषण हाहाकार चीत्कार सुनाई देती है। नहीं नहीं, अवश्य अयोध्या में कोई अनहोनी हो रही है, अन्यथा अन्यथा मेरा मन ऐसा अशांत कभी नहीं होता। सुमंत्र, अकेले आए हो? मेरा राम कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है? सुमंत्र, क्षमा कीजिए महाराज। नहीं मत कहो महाराज मुझे,
अब अयोध्या का न कोई राजा है न मंत्री है। अरे सुमंत्र, अयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। रानी, रानी, सब ठीक हो गया, सब ठीक हुआ, सुमंत्र लौट आया। हाँ? राम, सीता, लक्ष्मण सहित गंगा पार करके वन में चले गए। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था, उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मेरे उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ, आज मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा हूं। कौन मुनि, किसने श्राप दिया था आपको? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। भगवान, भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? तीर निकाल दो, तीर निकाल दो, प्राण निकल जाए। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। वो देखो, मेरी तरह मुझे शाप दे रहा है। वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प। वो देखो, वो मुनि मुझे शाप दे रहा है, मुझे शाप दे रहा है, मुझे मुझे शाप दे रहा है। तू भी पुत्र वियोग में मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। स्वामी, नाथ, स्वामी, स्वामी, नाथ, स्वामी, स्वामी। स्वामी कुछ तो बोले। स्वामी राम, 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 राम कहे, राम कहे, राम, राम कहे, तन परिहरी रघुवर भी रहे राव गयो सुरधाम। पिताश्री,
क्या हुआ भैया? अकस्मात ऐसा लगा कि पिताश्री का रथ आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर तीव्र गति से जा रहा है। जब से हमने अयोध्या छोड़ी है आपका ध्यान पिताश्री में ही लगा रहता है, इसलिए ऐसा आभास हुआ होगा। ऐसा ही हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो, जीय बिन देह ज्योति बिन दिवरा माटी कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो, जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं, जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे क्या बात है भैया? शत्रुघ्न क्या सवेरा हो गया? हाँ भैया, कहते हैं भोर का सपना सच होता है। आज तक मैं भैया राम के लिए दुस्वप्न देखता रहा, लेकिन आज मैंने अपने पिताश्री के लिए दुस्वप्न देखा। क्या सपना देखा पिताजी के लिए? कैसे बताऊं, पिताश्री के सर पर मुकुट नहीं था, उनके बाल खुले हुए थे, एक गोबर से भरे हुए कुंड में वो पर्वत की चोटी पर से गिर पड़े, उन्होंने तिल भात खाया, उसके बाद उन्हें मस्तक नीचे करके बार बार तेल में डुबाया गया, फिर दूसरा सपना देखा, सागर सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, चारों ओर अंधकार छा गया है, पर्वत गिर पड़े हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है, और हमारे पिताश्री गले में लाल माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे से जुटे हुए रथ पर दक्षिण की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। त्रिपुदमन, पिताश्री के बारे में ऐसा सोचकर मेरा मन भय और आशंका से कांप रहा है, कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है रिपुदमन। कुमार भरत, एक दूत अयोध्या से कुछ संदेश लाए हैं, तुरंत दर्शन चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था रिपुदमन, अयोध्या से कुछ संदेश आया है।
श्रीधर, श्रीधर बोलो क्या बात है, क्या संदेश लाए हो? आपको तुरंत अयोध्या में बुलाया गया है। सब कुशल तो है ना? पिताश्री, माताएं, भैया राम, लक्ष्मण, किसने बुलाया अचानक? गुरुदेव बसी जी का आदेश है, आप शीघ्र ही अयोध्या को चलें। हाँ चलेंगे शत्रु, चलो नाना जी से आज्ञा लेते हैं। अयोध्या से कुलगुरु वशिष्ठ ने आवश्यक संदेश भेजा है तो हम रुकने का आग्रह कर ही नहीं सकते। युधाजी, बस कुमारों को ननिहाल से विदा करने का आयोजन करो। जो आज्ञा पिताजी। नाना जी, किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं है, बस जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण मस्त, सदा सुखी रहो। कल्याण मस्त। चिरंजीव। अरे राजकुमार भरत आ रहा है। अरे छोड़ो, ऐसे पापी का तो मूवी देखना नहीं चाहिए। नगर में सारे लोगों ने हमें देखकर मुंह फेर लिए और यहां महल में भी चारों ओर उदासी छाई है। आशंका तो मेरे मन में भी है भैया। आओ देखें। रानी, आरती सजाओ। रानी, तेरा पुत्र अयोध्या का राजा भरत महल में प्रवेश कर रहा है। नियमानुसार वो पहले अपने पिता से मिलने जाएंगे और वहां जाकर दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं रास्ते से ही उनको यहां ले आती हूँ। रानी आरती तैयार करो, आरती तैयार करो, आरती। पिताश्री अपने कक्ष में भी नहीं है, क्या तुम बता सकते हो वो समय कहाँ है? लाल जी, भरत लाल जी, आ गए, आ गए। जीते रहो, जुग जुग जी हो मेरे लाल। चलो, तुम्हारी माता ने बुलाया है, वो बहुत अधीर हो रही है तुमसे मिलने के लिए। चलो। परंतु हम पहले पिताश्री से मिलेंगे। कहाँ है वो? वो अभी नहीं मिलेंगे। परंतु क्यों? इसीलिए तो तुम्हारी माता ने तुम्हें बुलाया, बहुत आवश्यक काम है। चलो तुम भी जाओ बेटा, तुम्हारी माता तुमसे मिलने के लिए बहुत अधीर हो रही है। जाओ जाओ, चलो चलो चलो, आओ बेटा, आओ। जाने क्या बात है? आज कैसे वस्त्र पहने? आपके आभूषण कहां हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है, क्या हुआ मातेश्वरी? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। पूरा राजमहल इतना सोना क्यों हो गया है? कहां है महाराज?
हैं मेरे पिताश्री? बताओ माता, कहां है पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है एक न एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परमतः हमने मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार के। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है, ये भावी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष भावी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। माँ, माँ मैं कितना अभागा हूं, माँ अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, पिताजी आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। बताओ मां, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ मां, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं, परंतु परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहां थे? वन में। वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्म परायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। ये आंसू बहाने का समय नहीं है।
हमें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता, यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो, किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है। मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से दो वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे दो वर दिए थे, कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्य अभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा कैकेयी का पुत्र भरत तो यहां है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना दे। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बिचारी बंथरा ने इस काम में मेरी पूरी सहायता की, उसी ने यह रास्ता सुझाया, उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संभाल ली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग सिद्धार्थ, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपहेश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोकों में वंदनीय श्रीराम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी पापन कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। नहीं, नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले, आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। ना। और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है, परंतु
परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा यह कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। मुझे क्षमा कर दे। रुक जा चंदन, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा अंत करके रहूंगा। रुक जाओ शत्रुघ्न। क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। मुझे छोड़ दो भैया, आप नहीं जानते, यही इस अनर्थ की जड़ है। मुझे सब बातों का पता चल चुका है, यही है इसी के कारण आज रघुवंश की सारी सुख शांति का नाश हो गया है। इसी के कारण हमारे पिता नहीं रहे, श्री राम और सीता भावी वनों में मारे मारे फिर रहे हैं। जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ, परंतु क्या करो, विवश इतना सोच। उसके पश्चात भैया राम हमारा परित्याग कर देंगे। बड़ी से बड़ी उत्तेजना में भी वो हमें धर्म की मर्यादा छोड़ने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? शत्रुघ्न, श्री राम जब हमारे राजा है वही इन राक्षसियों को दंड देंगे। जाओ माता, चली जाओ यहां से। शत्रुघ्न, माता कौशल्या को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा कि मैं निर्दोष हूं। मां, मैं हूं भरत। भरत, 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 तू आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी, यहां मेरी बात कोई नहीं मानता, मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तू तो राजा बन गया है ना, मैं प्रार्थना करती हूं अपनी सेना को आज्ञा देते जहां राम को छोड़ाए उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ाए। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी, परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। नहीं, नहीं, चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विशाला हो सकता है, पर तुम मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। इसके साक्षी मैं संसार को दूंगी। सूर्य को किसी की साक्षी की आवश्यकता नहीं होती महारानी कौशल्या, उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण है। इसी तरह भरत, तुम धर्म के अवतार हो, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता,
तुम्हारा कर्म कभी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम जो करोगे वही धर्म का प्रमाण है। गुरुदेव, गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव, इस विषम स्थिति में अधर्म और अपहस से केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस समय पिताश्री की मृत्यु और भाई के वियोग जनित शोक के कारण मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव, कुमार, तुम्हारे आगमन की सूचना पाकर हम तुमसे यही कहने आए हैं कि यह समय शोक करने का नहीं है। तुम्हारे महान पिता की जीव आत्मा इस समय प्रतीक्षा कर रही होगी कि मेरा पुत्र आएगा और मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे मृत शरीर के बंधन से मुक्त करेगा। तुम्हारे ही लिए उनका शरीर तैल की नौका में सुरक्षित करके रखा है। तुम्हें एक धैर्यवान पुरुष की तरह उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। चलो वत्स, अपने पिता के अंतिम दर्शन करो और उन्हें प्रणाम करो, अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। चलो। राजा हो या रंग
सभी की एक दशा हो जावे हो राजा हो यारंक सभी की एक दशा हो जावे हो इन्हें शरयू नदी के अर्पण कर दो। बहते जल की धार में जो डारो बह जाए, जस की रत सत्कर्म ही या जग में गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हम राज्यसभा में उपस्थित हो गए हैं। कहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचन का पालन कर ये धनधान्य से समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वयं स्वर्ग सिधार गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही यह अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का यह राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। यह आपकी आज्ञा है गुरुदेव? यही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है भरत। मंत्रिमंडल की क्या सम्मति है? जो राज्य राजा के बिना होता है वो प्रदेश और उस राज्य की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करके उसे उजाड़ सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय केवल आप ही हैं जो राजा बनने के योग्य हैं। यद्यपि आप ज्येष्ठ नहीं हैं, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस राज्य का संभालना
न्याय संगत है। राजा बनने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है, गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए, इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों? क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्रीराम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए, उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्रीराम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्रीराम का छोटा भाई होकर यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा? राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्रीराम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है, केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं मुझे यह पाप करने की आज्ञा न दे जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम है। वो इस वक्त जहां भी हैं उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत, तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय। तूने बड़े कठिन कार्य का बीड़ा उठाया है भरत। राम बड़ा दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। मां, वो मेरी अनुनय विनय को ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेंगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। मां, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा चल, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही
अयोध्या का भाग बदल जाए। अवश्य बदल जाएगा माँ, अवश्य बदल जाएगा। भैया और भाभी निश्चय ही लौटाएंगे। भरत मुझे कुछ कहना है, मेरी बात तो सुन ले भरत। इस तरह मुंह मोड़ कर मत जा। कहिए महारानी कैकेयी, क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों, 14 वर्ष का देश निकाला क्या कम है? और बढ़ाना चाहती है? भरत, भरत परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूँ, ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी। माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फिरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। बापू बापू, राजकुमार भरत श्री राम जी को लेने वन जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि नगर में से जो भी कोई उनके साथ जाना चाहे वो जा सकता है। बापू मैं भी उनके साथ जाऊं? जा, अवश्य जा, जाकर उनके चरणों में शीश नवाना। अरे उनके तो दर्शन से भी पुण्य होता है रे। का कहो, अयोध्या के राजा भरत बहुत बड़ी सेना लेके चले चले आ रहे हैं। अरे ठीक से पता तो लगाए हो ना? हाँ राजा जी, बहुत बड़ी सेना है, हाथी घोड़ा रथ आगे सूर्य पताका फहरा रहे हैं। भरत वन में सेना लेके कौन विचार से आ रहे हैं? कुमार, ये श्रृंगवीरपुर है, यहाँ के राजा निषाद राज गो है, वो श्री राम के परम भक्त है, पर श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या, श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान है। अरे सुमंत, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुहु का जोहार। राजा हमार जोहार। लो, वो स्वयं आ गए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण प्रार्थना करता हूँ। अयोध्या के राजा, आप भी कहाँ कह रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए।
मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमारे मन में जाने का कहा विचार उठत रहे तुम्हारे। भरत भैया हमको क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसन विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं भरत भैया, हमसे पाप हो गया। आज मैंने एक बहुत विचित्र सा स्वप्ना देखा है। क्या सीते? मैंने देखा जैसे भरत जी समाज सहित यहाँ आए थे, सबके मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे। यह स्वप्न तो शुभ नहीं दिखाई देता, मुझे भरत की चिंता है। क्या यही चित्रकूट है? जी। तो जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी? आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे, अभिनय पता लगाए के आ जाए। कुमार कुमार कुमार, मैंने श्री राम की कुटिया ढूंढ ली है। उनकी कुटिया इसी स्थान पर है, वो पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ। वो इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहाँ विराजमान है। क्या भैया विराजमान है? चलिए गुरुदेव, आप ये चढ़ाई शीघ्रता से चढ़ नहीं पाएंगे, आप माताओं को लेकर धीरे धीरे आइए, बाकी सब लोग यहीं विश्राम करेंगे। आइए चलिए। भैया भैया भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया, अपने साथ सेना भी लाया। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया है। अच्छा हुआ वो खुद चलकर आ गया, आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील और कौल मित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चलकर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी, अपनी सूर्य पताका लहरा रही थी, साथ में घोड़े और हाथी भी थे। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। यदि आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए आ जाए तो मुझे राम की दुहाई है, मैं भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकई को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक होती है
लाभ कम होता है। लक्ष्मण, यह आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं? कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। भैया, भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूं। भैया आपकी शरण में आ गया हूं। जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भाई मत कहिए, मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी, भाभी, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए। भाभी मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया। आप सबकी ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा ना कहिए। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूं, जिसके कारण भैया, भाभी और तुम्हारी यह दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाण चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते, फिर मैं भैया के सामने अपना एक कलंकित मुंह लेकर तो नहीं खड़ा होता। मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो, मेरी कैकई माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है, मेरे सब दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूं। धीरज से काम लो भरत। भैया, भरत तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत। भैया, बोलो भरत। पिताश्री, कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं।
भैया, आपका संचय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, धीरज से काम लो। गुरुदेव और माताएं भी हमारे साथ आए हैं। माताएं आई हैं? हाँ। गुरुदेव आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीघ्रता से आए हैं, वो धीरे धीरे आते ही होंगे। धीरे धीरे लक्ष्मण, सीते, माता, माताएं आई हैं। आयुष्मान हो, पिताश्री नहीं रहे, अब मुझे आप ही की ममता का सहारा है। मुझे क्षमा कर दो, इन सारे दुखों की जड़ मैं हूं। नहीं माता, इसका कारण है काल, धर्म और विधाता, इसमें आपका कोई दोष नहीं। नहीं मां, आपके तो चार चार पुत्र हैं, आप क्यों रोती हैं? अनाथ तो मैं हो गया। सौभाग्यवती हो, हाँ
चिंता में हूं। राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा, किससे कहूं? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? स्वयं कहिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूं, सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय यह है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है, मैं भी सेवक मात्र हूं। आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी। तो गुरुदेव से कहिए, उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, परंतु परंतु कुछ नहीं गुरुदेव, मैं जानता हूँ राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी, अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव, ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं, वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है। गुरुदेव, वो नहीं माने, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा, आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी? हाँ, तेरे राम भैया भी। अमित प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो।
परम पूज्य गुरुदेव। भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम है, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिता श्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांस कर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानी कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष न हुआ है और न होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परन मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए। ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निराधर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें। बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी परणकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा, धर्म ज्ञान विवेक कुछ नहीं बचेगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। मैं मिथिला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो, कहो क्या समाचार लाए हो? महाराजा जनक महाराजी सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे समाचार सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है, वो स्वयं नहीं रुक सके। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजा है। यह अति आनंददायक सूचना है। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया। विदयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे, अतः आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की जाए। राम, भरत, तुम चारों भाई आगे बढ़कर महाराज जनक का उचित स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो विदयराज, आपका आगमन शुभ है। चिरंजीव। गुरुदेव, महाराज दशरथ के स्वर्गवास पर अयोध्या के साथ मिथिला भी शोक में डूबी हुई है। अब तो आप ही के चरणों का सहारा है। विदयराज, आपके जैसा ज्ञानी पुरुष अगर शोक करे तो इन कुमारों को आश्रय कौन देगा? वत्सराम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मैं दूतों से सारी बात सुन चुका हूं।
तुम चारों ने रघुकुल की कीर्ति गाथा में आदर्श स्थापित कर दिया है। तुम धन्य हो। भैया अब तो महाराज जनक आ गए हैं, देखना कैसे सारी स्थिति संभाल लेते हैं। हाँ हाँ भैया, उनकी बात थोड़ा ही कोई काट सकेगा। महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। एक ओर राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भरत का प्रेम, इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम सब ने एकमत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। नाथ, हमारे लिए पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे धर्म पिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी, इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्रीराम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो जैसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे ये धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं जिससे हम सब बंधे हुए हैं, परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम,
भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण उसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी, सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे। और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं, शायद 14 वर्ष का बिछोई मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं।
मैं तुझे वचन देता हूं मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया कुछ मांगू तो दोगे? पगले तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत तुम धन्य धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। भैया एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय घर
हरि सिंहासन करी प्रणाम नित आशीष मांगत राम विरह के रंग में डूबे राम प्रेम मूरत से लागत धर्म काम निर्वाण भरत वर राम प्रेम बस सब कछु त्यागत राम प्रेम बस सब कछु त्यागत भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी राम लखन सिया बन में भरत भये घर ही में बैरागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तन तूरी महारानी कैकेयी दास के लिए क्या आज्ञा है कोई आवश्यकता थी कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता आपको इस प्रकार स्वयं यहां आने का कष्ट नहीं करना चाहिए तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि मैं यहां नहीं आ सकती जब अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है तो तुम्हारी माता क्यों नहीं आ सकती क्योंकि आप महारानी हैं और मैं राजा राम का एक कर्मचारी महारानियों का कर्मचारियों के पास आना शोभा नहीं देता मैं तुम्हारी माँ भी हूँ भरत मुझे महारानी नहीं केवल एक बार माँ कहो एक बार माँ कहो कैसे कह दूं जिसे मैं मां कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला और मुझे मातृविहीन कर दिया मेरे हृदय में अपनी मां का जो सुंदर चित्र अंकित है वो आपसे नहीं मिलता महारानी मेरी मां तो एक स्वच्छ निर्मल नदी की तरह थी जिसमें सर्वदा स्नेह और ममता की लहरें हिलोरे लेती थी और आप तो एक सूखी हुई झील की भांति है जिसमें अब केवल पाप और कपट का कीचड़ रह गया है कृपया मुझे मेरी मरी हुई मां की याद मत दिलाइए मेरे पास रोने का समय नहीं है कहिए आपकी क्या समस्या है मैं भी यही नंदीग्राम में रहना चाहती हूं ये स्थान तपस्वियों के लिए है यहां राजमहल के सुख नहीं मिलेंगे मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूं तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता हर किसी राह चलते कपटी स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती महारानी जाइए महारानी कैकेयी आपकी तपोभूमि राजमहल में है Thank you.
राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में, हाय री तने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में। आप सब जनों के सत्संग और प्रेमपूर्ण सद्व्यवहार से हमने बड़े आनंद और शांति के साथ इतना समय चित्रकूट में व्यतीत किया है। आपसे बिछुड़ते हुए हमें भी आत्मीय जनों से अलग होने जैसी कसक हो रही है। तो चित्रकूट छोड़कर क्यों जा रहे हैं प्रभु? मुझे भय है कि हमारे और यहाँ रहने से आपकी शांति बार बार भंग होने की संभावना है। हमें आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण बन जाते पिता वचन को राम निभाते, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो ऋषि मुनियों का दर्शन पाते, गुरुजनों को शीश झुकाते, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो सुर्प नखा मोहित राम पे होती, उसकी नाक लक्ष्मण ने काटी, हो रावण बदला लेने चला है, पंचवटी में आ पहुंचा है, हो मार्च को है मृगा बनाया, राम लक्ष्मण को भरमाया, हो साधु भेष में भिक्षा मांगे, सीता हरण कर लंका ध्याए, से देवी सीता को पूछे, जटायु ने राम को मार्ग दिखाया, शबरी ने सुग्रीव का पता बताया, में मिले हनुमान, किए राम उनकी पहचान, सागर लांघ गए हनुमान, सिया की खोज किए हनुमान, रावण ने पूछ में आग लगवा, लंका हनुमान ने जलाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो सेतु बना के राम लंका धाए, विश्वास न आए,
लक्ष्मण के हाथों मारा जाता राम भरद्वाज के आश्रम में जाएंगे, परंतु तुम इसी समय सीधे नंदीग्राम जाकर भरत को हमारे आगमन का समाचार दे देना। जो आज्ञा प्रभु। तुम वहां ब्राह्मण के वेश में जाना। कभी कभी अचानक खुशी की सूचना मिलने से भी हानि हो सकती है, इसलिए समय की गति और भरत की मनोदशा देखकर फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उसे हमारा संदेश देना। हम महर्षि भरद्वाज के दर्शन कर अपने मित्र निषादराज गोह के पास चले जाएंगे। वहां सीता को गंगा की पूजा करनी है, इसलिए वहीं आकर भरत का समाचार हमें देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रभु मेरे सरकार, मेरे प्रभु, मेरे मित्र। हमारे सरकार। मैं महाराज भरत के दर्शन करना चाहता हूँ। वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों भाई, इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? मुझे उनसे आवश्यक काम है। सुनो भाई, वास्तव में इस समय महाराज बहुत अधीर हैं। क्यों? आज श्रीराम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा, इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज भरत जलती चिता में कूद कर अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? इसी कारण गुरुदेव उन्हें समझाने आए हैं। तुम्हारा ये करना उचित नहीं। गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों की शपथ लेकर यह प्रण किया था, यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाज्वल्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। ये क्या कर रहे हैं महाराज भरत, मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हनुमान हूं। हनुमान, हनुमान भैया, तुम तो मेरे प्राण दाता हो। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में
त्रिलोक विजय रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है। गुरुदेव, यह शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। चौदह वर्ष से शासन का यह बोझ संभाले खड़ा हूं, अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका यह कौशल राज्य। भैया, यह उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। Correct.